फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। मैंने लास्ट टाइम बोला था मैं नेक्स्ट वीडियो अपने हैंडबैग्स की बनाऊंगी, और इससे पहले वाली वीडियो में भी आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया था। मे बी इसलिए कि मैंने बोला था गंदे कमेंट्स मत करना, बट जो भी रीज़न है रिस्पांस अच्छा था। तो ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। इसके दो रीज़न है, एक तो मेरे पास हैंडबैग्स बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा ये कि मैं यहाँ अपने घर पर नहीं रहती हूँ, मैं यहाँ अपने काम की वजह से रहती हूँ। तो आधा सामान मेरा यहाँ रहता है और आधा सामान मेरा अपने घर पर रहता है। तो जो जो बैग्स यहाँ अवेलेबल है उसकी वीडियो मैं यहाँ बनाऊँगी, और जो बैग्स मेरे घर पर है उसकी वीडियो मैं घर पर बनाऊँगी। तो ये दो पार्ट की वीडियो आने वाली है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपने सबसे फेवरेट बैग से। ये बैग मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने लिया था मुंबई के मनीष मार्केट से, वहाँ काफ़ी अच्छे बैग्स मिलते हैं। सबसे फेवरेट मार्केट है बैग्स के लिए मेरा वहाँ। बट ये बहुत क्यूट बैग है। और सेकंड, ये भी मेरा काफ़ी फेवरेट है। ये मैंने गोवा से लिया था, लास्ट टाइम जब गोवा गई थी तो मुझे ये काफ़ी क्यूट लगा था तो मैंने ये लिया था। और हाँ, ये 600 का है और ये भी 600 का है। नेक्स्ट, ये मैंने H&M से लिया था। ये काफ़ी क्यूट है, ये बैग भी मुझे काफ़ी क्यूट लगा। और ये 1500 और 1600 समथिंग का है, एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है, बट ये 1600 का है आई गेस। और नेक्स्ट, मुझे मिनी बैग्स काफ़ी पसंद आते हैं, तो ये मैंने अजियो से लिया था, ये भी 500 का है। ये बैग भी मैंने अजियो से लिया था। ये मैंने अभी तक ज़्यादा वैसे यूज़ नहीं किया है, बट इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया था। एंड ये मैंने आई थिंक 1700 का लिया है सेल पे। ये बैग भी मैंने अजियो से लिए हैं, ये भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं, बट ये भी काफ़ी अच्छे हैं। ये भी मैंने सेल पे लिया है, ये 900 का है। एंड ये भी 900 का है, ये भी अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, इनके टैग्स भी नहीं निकले हैं। एंड ये भी काफ़ी क्यूट बैग है, ये फॉरएवर न्यू ब्रांड्स हैं, ये मैंने राजपुर रोड से लिया था, बट ये काफ़ी क्यूट है। ये 2600 का है। नेक्स्ट, ये भी मैंने H&M से लिया है, ये भी आई थिंक 1400 or 1500 का है। ये भी अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है, जैसे कि आप देख सकते हो। काफ़ी सारे बैग्स हैं जो मैंने यूज़ नहीं किया है, बट मुझे बैग्स का कलेक्शन रखने का काफ़ी शौक है। एंड ये मैंने अजियो से लिया था, ये भी मैंने सेल पे लिया है, थिंक 900 समथिंग का और 1000 का, ऐसे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट ऐसे ही। एंड ये मैंने देहरादून के पलटन बाज़ार से लिया है, ये सिर्फ 250 का है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, ये मैंने यूज़ भी किया है काफ़ी। एंड ये मैंने मुंबई से लिया था वैशाली मार्केट से, ये भी अराउंड 300 समथिंग का ही था। एंड ये मैंने मिंत्रा से लिया था, ये आई थिंक 1100 or 1200 का था, ये भी मैंने सेल पे लिया है, बट इसके अंदर मैंने कुछ सामान वगैरह रखा है, बट ये काफ़ी क्यूट है, इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। एंड ये बैग भी मैंने काफ़ी यूज़ किया है, ये भी मैंने गोवा से लिया था, ये आई थिंक 1000 का लिया था, एग्जैक्ट याद नहीं है बट 1000 का ही था। ये बैग मैंने हरिद्वार से लिया था, जब हरिद्वार गई थी मनसा देवी तब मैंने ये बैग लिया था। एंड ये इसका प्राइस तो मुझे याद नहीं, आई थिंक 300 or 400 समथिंग का था, या मैक्सिमम 500। एंड ये बैग मैंने रामचिला से लिया था, ये बैग मैं वैसे कहीं लेके तो नहीं जाती हूँ, बट मैं इसे यूज़ काफ़ी करती हूँ, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी सारा सामान रखती हूँ अपना। As you can see, and ये आई थिंक 600 का था,
उसका भी एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम पहले लिया था। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट पार्ट टू मैं तब बनाऊँगी जब मैं अपने घर जाऊँगी क्योंकि वहीं मेरे सारे बैग्स हैं बचे हुए जो और हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।